हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैटमैन। पिछले एक वीडियो में हमने टॉम्बो के मोनो करेक्शन टेप के बारे में बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। आज मेरे पास और एक करेक्शन टेप है कोकोयो का। आज के वीडियो में हम इन दोनों करेक्शन टेप के बारे में बात करेंगे, इनके फायदे और नुकसान के साथ। पहले इस कोकोयो के करेक्शन टेप के बारे में बात करते हैं। इसका प्राइस 80 रुपीज है और इसमें भी आपको 6 मीटर का करेक्शन टेप मिलता है जिसका विड्थ 5 mm है। और उसके साथ इसके टेप को डैमेज और सूखने से बचाने के लिए इसमें ये छोटा सा कैप है। इसका भी प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट है और काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है और इसका प्लास्टिक क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अब इन दोनों करेक्शन टेप के सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं। दोनों का ही प्राइस 80 रुपीज है और दोनों में ही आपको 6 मीटर का टेप मिलता है जिसका विड्थ 5 mm है। दोनों का ही बॉडी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी हद तक सेम है। अगर आपका टेप कभी लूज हो जाता है तो दोनों को ही ठीक करने के लिए दोनों में एक एक गियर है जिससे आप अपने टेप को अच्छे से टाइट कर सकते हैं। और दोनों का ही मैकेनिज्म भी एक जैसा है। डिसिमिलैरिटी के बारे में बात करें तो सिर्फ दोनों का शेप ही डिफरेंट है। मुझे टॉम्बो का शेप काफी पसंद आया क्योंकि ये अच्छे से हाथ में फिट हो जाता है, लेकिन कोकोयो का डिजाइन भी काफी अच्छा है लेकिन ये हाथ में उतने अच्छे से फिट नहीं होता। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक करेक्शन टेप कैसे काम करता है और उसे कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे इन करेक्शन टेप के फायदे और नुकसान के बारे में। एक करेक्शन टेप का सबसे बड़ा फायदा है, आप इसे यूज करने के बाद इंस्टेंटली इसके ऊपर लिख सकते हैं। इनका साइज काफी छोटा है जिसकी वजह से आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हमेशा 5 mm मोटाई का एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जिसकी वजह से आपका कॉपी काफी क्लीन दिखाई देगा। एक करेक्शन पेन यूज करने से हमेशा एक खुरदरा लाइन बनता है, लेकिन एक करेक्शन टेप हमेशा एक स्मूथ और फाइन लाइन बनाता है। अगर आप अच्छे से प्रेशर देके इस टेप को यूज करते हैं तो ये टेप पेपर में अच्छे से चिपक जाएगा और उसके बाद कभी भी नहीं निकलेगा। जेरोक्स पेपर में लिखा हुआ कुछ भी करेक्ट करने के लिए ये करेक्शन टेप परफेक्ट है। और उसके साथ छोटे हैंडराइटिंग के लिए ये करेक्शन टेप बेस्ट है। पतले पेपर में करेक्शन पेन का इंक दूसरी तरफ आ जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ये टेप पेपर के ऊपर चिपक जाता है। तो ये सारे फायदे आपको इन करेक्शन टेप को यूज करने से मिलेंगे। अब बात करते हैं इन टेप्स के नुकसान के बारे में। इनको ठीक से यूज करने के लिए आपको हमेशा सही एंगल और सही प्रेशर देना पड़ता है। अगर आप इसके केप को खोल के छोड़ देंगे तो इसका टेप सूख सकता है जिसके बाद ये पेपर में अच्छे से नहीं चिपकेगा। अगर आप अपने करेक्शन टेप को ठीक से यूज नहीं करेंगे तो इसका टेप साइड में आ सकता है जिसके बाद आपको उसे खुद से रिपेयर करना पड़ सकता है। अगर आप गलती से इसका टेप तोड़ देते हैं तो आपको ठीक करना पड़ेगा जिसकी वजह से काफी सारा टेप वेस्ट हो सकता है। कम प्रेशर दे के टेप को यूज करने से टेप अच्छे से पेपर में नहीं चिपकता। अगर उसके ऊपर अपना हाथ फेरेंगे तो टेप आपके हाथ में चिपक जाएगा। छोटे छोटे पार्ट को करेक्ट करना इन टेप से थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप जेल पेन, रोलर बॉल पेन और फाउंटेन पेन से इन टेप के ऊपर लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है इनके इंक को सूखने के लिए। अगर आप थोड़ा सा बड़ा हैंडराइटिंग लिखते हैं तो आप एक बार में इन टेप से करेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप टेप को ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिड एरिया में यूज करेंगे तो टेप पेपर में अच्छे से नहीं चिपकेगा। अगर आप ज्यादा प्रेशर देके इन टेप्स के ऊपर लिखेंगे तो ये टेप निकल जाता है। अब हम बात करते हैं ये करेक्शन टेप किसके लिए परफेक्ट है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ये करेक्शन टेप आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन ये टेप एक स्टूडेंट के लिए फायदेमंद नहीं है क्योंकि ये काफी जल्दी खत्म हो जाता है और इसका प्राइस भी काफी हाई है और उसके साथ इसे रिफिल भी नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं एक हफ्ते में ये आधा खत्म हो चुका है। काफी केसेस में ये करेक्शन टेप काफी फायदेमंद है क्योंकि इसे यूज करने के बाद इंस्टेंटली आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। एक करेक्शन टेप का प्राइस 80 रुपीज है, लेकिन एक करेक्शन पेन का प्राइस 25 रुपीज है। हम अगले एक वीडियो में कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये महंगा वाला कि ये सस्ता वाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।